बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 6, बायोलॉजी पार्ट 2, चैप्टर नंबर 15। इन दिस लेक्चर वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स: एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड यूरिनरी सिस्टम। दीज आर द टॉपिक्स विच वी विल कवर इन आवर टुडेज लेक्चर। फर्स्ट इज एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स, kidneys. Appearance of kidneys was a great success in vertebrate excretory system. Kidneys contain numerous tubules closely associated with dense network of capillaries. यानी वर्टिब्रेट्स जो हैं उनकी एवोल्यूशन के दौरान किडनी की उनमें अपियरेंस होना, यानी किडनी का वर्टिब्रेट में अपियर होना उनकी एक ग्रेट एवोल्यूशनरी सक्सेस है वर्टिब्रेट्स की। ठीक है, किडनीज जो हैं उनमें न्यूमरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि क्लोजली एसोसिएटेड हैं, और उनके साथ कैपिलरीज का एक वसी नेटवर्क मौजूद होता है। नेक्स्ट हो गया नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो किडनी की बेसिक यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, मेटाबॉलिक वेस्ट। Considering the chemical basis of life and its sustainability on metabolic pathways, generation of waste is primarily done at metabolic level. So these are called metabolic wastes. अच्छा, वेस्ट जो हैं मोस्टली इनमें मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाते हैं, ह्यूमन्स में भी और मुख्तलिफ ऑर्गन्स में भी। क्यों कहलाते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट? क्योंकि आपको पता है मेटाबॉलिज्म के दौरान जब भी कोई एक रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में कोई एक ना एक उसका एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे आपने वाटर का पढ़ा था, साल्ट्स का पढ़ा था, तो ये भी वेस्ट का काम करते हैं जिस रिएक्शन के प्रोडक्ट के नतीजे में वो प्रोड्यूस होते हैं उसमें। एग्जांपल्स मेटाबॉलिक वेस्ट, तो ऐसे वेस्ट जो कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। एग्जाम्पल जो है मेटाबॉलिक वेस्ट की वो हैं यूरिया, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। जब अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन होती है तो यूरिया प्रोड्यूस होता है, तो यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट हो गया किसका? अमाइनो एसिड्स का। क्रिएटिनिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मसल क्रिएटिन। क्रिएटिनिन जो है वो हो गई वेस्ट प्रोडक्ट मसल क्रिएटिन की। यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की जब ब्रेकडाउन होती है तो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो यूरिक एसिड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है किसका? न्यूक्लिक एसिड का। बिलिरुबिन एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन। तो बिलिरुबिन किसका वेस्ट प्रोडक्ट है? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन आपको पता है प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है, तो उसका जो है वेस्ट प्रोडक्ट वो क्या कहलाएगा? बिलिरुबिन। इसके अलावा मेटाबोलाइट्स ऑफ वेरियस हारमोन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट ऑल्सो इंक्लूड टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड विद इन दी बॉडी। ठीक है, ये सारे भी मेटाबॉलिक वेस्ट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन पढ़ी, ऐसे वेस्ट जो कि मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाते हैं। उसकी हमने ये एग्जाम्पल देख ली 6-7-8। मेटाबॉलिक वेस्ट ऑल्सो इंक्लूड टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट में आते हैं। प्रेजेंस ऑफ दिस वेस्ट इन बॉडी काजेज सीरियस हैजर्ड्स, दस नीडेड टू बी एलिमिनेटेड बाई एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो टॉक्सिक वेस्ट बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट हो गए और किसी भी टाइप के वेस्ट हो गए, वो बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं उनका फौरी तौर पर निकाला जाना बॉडी से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बॉडी के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में जो है वो आ जाते हैं लिवर, किडनी, स्किन। समटाइम्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम करती है, क्योंकि स्किन से भी आपको पता है कि पसीना और पानी और सॉल्ट्स जो कि शामिल होते हैं वो सारा कुछ उसमें से एलिमिनेट होता रहता है स्किन में से। बोथ लिवर एंड किडनी आर प्राइमरी स्ट्रक्चर्स फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। फंक्शन ऑफ लिवर, लिवर के फंक्शन आप देख लेते हैं कौन कौन से हैं। लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वैसे भी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इट इज़ द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्सिक्वेंटली इज बॉडीज सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस। मतलब बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक साइट है ये बॉडी की, मेटाबॉलिक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं बॉडी के, वो वाली जगह जो है वो कौन सा क्या कहलाती है? लीवर। इसको सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको क्लियर करता है मोस्टली लीवर जो है, तो इसलिए इसको मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस कहा जाता है।
लीवर फंक्शंस आर पाइवोटल टू होम्योस्टेसिस एंड इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन विद मोस्ट ऑफ बॉडीज ऑर्गन। लीवर होम्योस्टेटिक में भी अपना, होम्योस्टेसिस में भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो है, लीवर सपोर्ट एक्सक्रीटरी रोल ऑफ किडनीज बाय डिटॉक्सिफाइंग केमिकल पॉइजन्स प्रोड्यूस्ड अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड्स। लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड को, अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड को किडनी की हेल्प करता है डिटॉक्सिफाई करने में। तो इसलिए लीवर जो है वो एक बहुत क्या उसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट रोल है इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के तौर पर। लीवर फॉर्म यूरिया बाय यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल हमने अपने एक लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, उसमें आपने देखा, उसमें मैंने आपको बताया कि जो लीवर है वो यूरिया साइकिल प्रोड्यूस कर मतलब यूरिया साइकिल जो है वो कौन परफॉर्म करता है, लीवर परफॉर्म करता है, जिसके नतीजे में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीवर का। अब हम पढ़ेंगे स्किन के फंक्शन। रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर बाय स्वेट ग्लैंड इज़ फॉर द पर्पज ऑफ थर्मो रेगुलेशन। स्किन जो है, आपको पता है स्किन हमारी बॉडी का टेम्परेचर को, गर्मियों में हमें बहुत पसीना आता है, किस वजह से कि हमारी बॉडी का अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो बॉडी में से वाटर और सॉल्ट जो है वो स्किन निकाल देगी। तो ये स्किन का एक थर्मो रेगुलेशन का पर्पज़ है। जब वो हीट बॉडी से बाहर निकल जाएगी तो एक किस्म का बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हो जाएगा और हमें कूलिंग का एहसास होगा पसीना आने से। तो रिमूवल ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाय स्वेट ग्लैंड इज फॉर द पर्पज ऑफ थर्मो रेगुलेशन। रिमूवल ऑफ सीबम बाय सीबेशियस ग्लैंड, ये वाले स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड, ये ग्लैंड स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर द प्रोटेक्शन इज फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सीबम जो है वो अगर स्किन किसी की बॉडी पे प्रोड्यूस कर रही है तो वो किसके लिए, किससे प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इन दो फंक्शंस की बुनियाद पे स्किन जो है उसको भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे लिया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें स्किन जो है ये भी जाहिर है बॉडी में से रिमूव कर रही है। फंक्शन ऑफ किडनी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ किडनी वी विल स्टडी द यूरिनरी सिस्टम इन डिटेल। किडनी के फंक्शन को समझने के लिए हमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे किडनी के फंक्शन को समझने के लिए हमें यूरिनरी सिस्टम जो है उसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम पढ़ेंगे भी अपने आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन, हाउएवर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इज इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ किडनीज। लेकिन यूरिन की प्रोडक्शन, यूरिन बनाना जो है बॉडी का, जो यूरिन है वो किडनी बना रही होती हैं, तो ये किडनी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी फंक्शन है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम। ये किडनी जो है मतलब उसकी यूरिनरी सिस्टम, जिसमें यूरिन की प्रोडक्शन फॉर्मेशन पे हम पढ़ेंगे, और ये काम कौन परफॉर्म कर रहा है, किडनीज। अ पेयर ऑफ किडनीज कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। एक किडनी तकरीबन मिलियंस नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, और दो किडनीज हमारी बॉडी में होती हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स होंगे। नेफ्रॉन्स हैव एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई वाया रेनल आर्टरीज एंड ब्लड लीव्स ईच किडनी वाया रेनल वेन। यानी नेफ्रॉन किडनीज में प्रेजेंट है। अब किडनीज के अंदर जो ब्लड आता है बॉडी से वो कौन लेके आता है, रेनल आर्टरीज। वैसे आपने दो टाइप की ये पढ़ी हुई हैं, डक्ट्स, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज जो हैं वो बॉडी की तरफ ब्लड लेके जाती हैं हार्ट से। ठीक है, और जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाता है बॉडी से वो क्या कहलाती हैं, वेन्स कहलाती हैं। तो रेनल आर्टरी या रेनल वेन जो होंगी वो किडनीज की तरफ आने या जाने वाली होंगी। ठीक है, अब किडनीज में ब्लड कौन ला रहा है, नेफ्रॉन हैव एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई। किडनीज के अंदर नेफ्रॉन हो गए, उनके अंदर ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है, रेनल आर्टरी। ब्लड लीव्स ईच किडनी वाया रेनल वेन। किडनीज में और किडनीज के बाद फिर किडनी के अंदर नेफ्रॉन में ब्लड आएगा रेनल आर्टरी के जरिए, और वहाँ से निकलेगा रेनल वेन के जरिए। फंक्शन ऑफ किडनी इन क्लियरिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट वेट ऑफ किडनीज अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट वाइल रिसीव 20% ऑफ ब्लड विद ईच कार्डिक बीट। अच्छा, किडनी के, ये वाला आपका एक अलग से क्वेश्चन है, पॉइंट थ्री जो है किडनी के, वो कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंस को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि किडनी का इम्पोर्टेंट फंक्शन है ब्लड को क्लियर करने में नाइट्रोजनस वेस्ट से। वो हम किस तरह समझ सकते हैं, उसका क्या सबूत है हमारे पास कि वाकई किडनी जो है वो ब्लड को क्लियर कर रहा है। टोटल बॉडी का वेट अगर 100% है तो उसमें से 1% किडनीज का वेट होगा, लेकिन हर कार्डिक बीट के साथ जब भी एक दफ़ा दिल जो है वो धड़केगा, ठीक है, तो उसके साथ 20% ब्लड जो है वो किडनीज रिसीव करती हैं। तो देखें कितनी बड़ी अमाउंट, यानी इतनी बड़ी अमाउंट
हर कार्डिक बीट के साथ किडनी में जा रही है, किडनी उसकी फिल्ट्रेशन करवा रही है, ठीक है, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करवा रही है यूरिन के थ्रू, और जो बाकी ब्लड है वो वापस चला जाता है उसमें से। तो 20% हर हार्ट हर बीट के साथ, हर कार्डिक बीट के साथ 20% ब्लड किडनी में आता है और जाता है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट इसमें यूरिनरी सिस्टम में, फॉलोइंग फिल्ट्रेशन एंड फर्दर प्रोसेसिंग थ्रू ट्यूबुलर सिस्टम यूरिन इज कलेक्टेड इन सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी कॉल्ड पेल्विस। आपकी बुक में फिगर्स बनी हुई हैं, आप वहाँ पर लेबल किया होगा पेल्विस, आप लोगों को नज़र आ जाएगा पेल्विस जो है वो क्या चीज़ है, किडनी का एक पार्ट है, ठीक है। यूरिन की प्रोडक्शन होने के बाद किडनीज में किडनीज कलेक्ट यूरिन कलेक्ट हो जाता है किडनी के पार्ट पेल्विस में, ठीक है। फिर पेल्विस से यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू अ डक्ट यूरेटर। अब पेल्विस से यूरिन जो है वो यूरेटर में आ जाएगा और किडनी से बाहर निकल जाएगा। यूरेटर ऑफ बोथ द किडनीज ड्रेन इनटू यूरिनरी ब्लेडर। अब दोनों किडनी की, दो किडनीज हैं, दोनों किडनी के जो यूरेटर्स हैं वो ब्लड सॉरी यूरिन लेके जाएंगे किडनीज में से यूरिनरी ब्लेडर में, ठीक है। यूरिन लीव्स द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन फ्रॉम ब्लेडर। अब यूरिन जो है वो यूरिनेशन के दौरान बॉडी से निकल जाता है, बॉडी पहले किडनीज में था, किडनीज में के पार्ट पेल्विस में स्टोर हुआ, कलेक्ट हुआ बल्कि, ठीक है। पेल्विस से फिर यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लेडर में आ गया, यूरिनरी ब्लेडर से बॉडी में से बाहर निकाला जाएगा यूरिथ्रा के जरिए। यूरिथ्रा वो बड़ा पॉइंट है जिससे यूरिनेशन जो है प्रोसेस होती है, ठीक है। यूरिनेशन प्रोसेस के दौरान यूरिन जो है वो बॉडी लीव करेगा यूरिथ्रा के जरिए। इसके अलावा स्फिंक्टर मसल जो हैं नियर द जंक्शन ऑफ यूरिथ्रा एंड ब्लेडर कंट्रोल द यूरिन इन ब्लेडर, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था, मैं अब आपको आपकी बुक में से शो करवाती हूँ कहाँ से हम लोगों ने किया ये। कितना हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, हाँ जी, ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से शुरू हो रहा है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स की एक्सक्रीशन ये वाला पॉइंट पढ़ा है। उसके बाद एक्सक्रीशन इन ह्यूमन ये पढ़ा है। उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिवर, लिवर का फंक्शन पढ़ा है हम लोगों ने, ये पॉइंट्स बना के मैंने आपको लिवर का फंक्शन बता दिया है। यूरिया साइकिल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया हुआ था इसलिए मैंने आज आपको नहीं करवाया, वो इस बुक इस टॉपिक में लिखा हुआ है। ये लिवर के फंक्शंस का टेबल है, फंक्शन उसके बताए हुए हैं और उसके बाद होम्योस्टेसिस में उनका रोल बताया हुआ है, उन सब फंक्शन का, यानी लिवर के सब फंक्शन का होम्योस्टेसिस में क्या रोल है, अगर लिवर ये काम ना करे तो होम्योस्टेसिस के ये सारे प्रोसेसेस नहीं होंगे। उसके बाद हम लोगों ने यूरिनरी सिस्टम जो है वो शुरू किया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है, थोड़ा सा यूरिनरी सिस्टम को पढ़ा था। अब कल वाले लेक्चर में हम लोग नेफ्रॉन स्टार्ट करेंगे, ये आप फिगर में बुक में देख सकते हैं। ये दो किडनीज हैं, ये किडनी का पार्ट पेल्विस है, अगर आप फिगर देखेंगे पेल्विस यहाँ पे आपको जहाँ पे सिंगल किडनी है वहाँ पे एक ये है पेल्विस, ये वाला पोर्शन पेल्विस है, हर किडनी के अंदर होगा। और ये जो येलो सा नज़र आ रहा है ये यूरिथ्रा है, ठीक है, यूरिथ्रा से जा रहा है ये यूरिनरी ब्लेडर है, और यूरिनरी ब्लेडर के बाद ये सॉरी ये यूरिथ्रा नहीं ये यूरिटर है, ये दो यूरिटर्स हैं ये यूरिनरी ब्लेडर में लेके जा रहे हैं और ये यूरिथ्रा है, यहाँ से जो है वो बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये आज का लेसन है, उम्मीद है आप लोग इसको तैयार करेंगे अच्छी तरह से।